Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on Pragati Practice app. Download now. So basically, अगर आपको range of the external force for which the acceleration of a body is zero on an inclined plane, तो basically अगर आपके पास एक inclined plane है, और ये inclination theta है, और आप यहाँ पर एक force लगा रहे हो F, तो इस force की range क्या होगी ताकि ये block move ना करे, right? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप ये फोर्स हटा दोगे फोर्स, तो आपका ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्लाइड करने का मतलब क्या है, जो टैन थीटा होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू, राइट? ठीक है ना, अगर ग्रेटर देन म्यू होगा तो स्लाइड कर जाएगा। तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आपका ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो उस केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी mg sin theta minus mu mg cos theta। तो मिनिमम फोर्स के केस में आपके ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी वो डाउन द इंक्लाइन जाने की होगी, राइट? डाउन द इंक्लाइन जाने की, राइट? तो यहां पर आपके पास एक फोर्स लग रहा है mg sin theta, और अगर डाउन द इंक्लाइन जाने की टेंडेंसी है तो यहां पर आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होगा, म्यू एमजी कॉस थीटा, ये होगा, राइट? अगर हम इसके रिजल्टेंट के बराबर एक फोर्स लगाएं अप द इंक्लाइन, तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, ओके? तो आपका जो मिनिमम वैल्यू होती है आ गया, राइट? दूसरे केस में तो यहां पर आपका जो एफ मिनिमम होगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, क्लियर? अब दूसरे केस में अगर आपका ब्लॉक अप द इंक्लाइन जाने की टेंडेंसी है उसकी, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को लगेगा और एम जी साइन थीटा तो यही लगेगा, तो आप जो फोर्स लगाओगे दैट विल बी म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, इज इट क्लियर? अगर आपकी फोर्स इस रेंज में रहेगी, सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, राइट? अगर इनकी रेंज इस रेंज में रहती है, इन दैट केस द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। अगर आप फोर्स इससे कम लगाओगे तब भी स्लाइड होगा, अगर इससे ज्यादा लगाओगे तब भी स्लाइड होगा, ओके? In the following figure, F is gradually increased from zero. Draw the graph between the applied force and the tension in the string. The coefficient of static friction between the block and the ground is mu s. पर हमें पता है there is a friction between block and the ground. Okay. तो जब तक आपका limiting value को cross नहीं करता, तब तक आपकी tension zero रहेगी. समझ रहे हो? जब तक आपका, यहाँ देखो, तो initially आपकी tension zero रहेगी, और जैसे कि आपकी अप्लाइड फोर्स म्यू एम जी के बराबर हो गई, उसके बाद आपका जो नेचर होगा, यहाँ पर आपके ब्लॉक पर ये फोर्सेस लगेंगे, देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ, देर इज अ टेंशन टी, एंड देर इज अ म्यू एम जी, क्लियर? सो एफ विल बी, और यू कैन से माइनस म्यू एम जी, तो ये हमारे पास आ गया एफ, और टी प्लस ये था, और यहाँ पे एफ माइनस म्यू एम जी। तो आप देख सकते हैं कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो यहां से इस तरह चलेगा, और ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये आपका है म्यू एम जी, सॉरी, ये आपका आ रहा है टेंशन, टेंशन माइनस म्यू एम जी, राइट? यस, क्लियर? एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, राइट? टू ब्लॉक सिस्टम। तो अब हमें निकालना है रेंज ऑफ फोर्स एफ सच दैट, मतलब कब ये मूव करेंगे, राइट? फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर व्हिच द बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो हम सारी फोर्सेस निकालते हैं कि कब तक ये साथ में रेस्ट पर रहेंगे, राइट? एंड कब ये मूव करेंगे, कब इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। तो सबसे पहले तो जो 4 kg ब्लॉक है, से अगर हम इसको बात करते हैं, यहाँ पर एफ लग रहा है हमारा, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्राउंड पर तो जीरो है ना, यहाँ पर तो आपका फ्रिक्शन ही नहीं है, म्यू इज जीरो, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू कितना है, म्यू एम जी, इज इट क्लियर? कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 10 न्यूटन हमारी लिमिटिंग वैल्यू है। तो अगर हम बात करें, हमने फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर,
अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं, इफ मूव्ड टुगेदर, तो इनकी कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 4 यहाँ पे 2 है, तो आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है, तो अगर हम हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो 4 kg ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, इज इट क्लियर? ठीक है ना, आप अगर फोर्स को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली 4 kg स्लाइड करने वाला है। अब हम देखते हैं कि कब तक ये मूव करेंगे साथ में, इफ दे आर मूविंग टुगेदर देयर कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ बाय 6, राइट? ये क्लियर है? अच्छा, और अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं तो 2 kg ब्लॉक का, अगर हम 4 kg का एफबीडी बनाते हैं, यहां पर एफ लग रहा है, फ्रिक्शन इसमें पीछे को लगेगा ना फ्रॉम 2 kg, और 2 kg पर कहाँ लगेगा, आगे को लगेगा, ठीक है, और दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, सो सिंपली यू कैन से इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एफ बाय 6, इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एफ बाय 6, ओके, तो एफ माइनस एफ विल बी 4 times एफ बाय 6, और यहाँ पर एफ जो है आपका ये 2 f/6, इज इट क्लियर? अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर है, राइट? तो अगर 10 N है, सपोज अब इस केस में इनके 10 N लग रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि यहाँ पर एफ माइनस 10 होगा 4 f/6, और यहाँ पर आपका ये 10 है और ये हमारा 2 f/6, इज इट क्लियर? सो यहाँ से हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट विल बी एफ 1 - 2/3 = 10, सो एफ कम्स आउट टू बी 30 N, राइट? दोनों से सेम आएगा, राइट? तो इसका मतलब 30 तक तो वो साथ में मूव करेंगे, सो 0 to 30, पर जैसे ही आप 30 से ज्यादा करते हो तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर 30 N से के साथ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन विल बी 30/6, राइट? 5 m/s² और वो इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो उसके केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर फ्रिक्शन उससे कम है तो आपका कम आएगा, राइट? ओके, तो जरा आप देखते हैं, सो फॉर एफ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 30 दे विल मूव टुगेदर, राइट? अगर एफ आपके से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 2 kg का अगर हम बनाए तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी विच इज 10, ठीक है, इफ एफ इज ग्रेटर देन 30, और आपका जो 4 kg है उस पर एक यहाँ पर 10 N की फोर्स लगेगी एंड दिस इज योर एफ, राइट? क्लियर? तो जो आपका 2 kg ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 5 m/s², और जो आपका 4 kg ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन एफ माइनस 10 = 4 times a, राइट? तो जो उसकी एक्सेलरेशन है दैट विल बी एफ माइनस 10/4, इस पे डिपेंड करेगी, ओके? तो आप देख सकते हैं कि अगर एफ 30 था तो 5 ही आती है, राइट? इफ एफ इज 30 एक्सेलरेशन विल बी 5, अगर एफ को इंक्रीज करोगे तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, इज इट क्लियर? तो ये रिलेशन आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, और ये हमारी एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg अगर आपकी फोर्स जो है 30 से ज्यादा है।